नमस्कार सर। आइए आइए अनुपमा मैडम, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में कैसे आ रही हैं आप अनुपमा मैडम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीपाली अंकल, हाउ आर यू? दीपांकर, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कोई? नमस्कार, एवरीथिंग इज ओके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। आइए बबीता मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर 1.5 मिनट रह गया है, तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू। ऑलराइट। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते गुरप्रीत। सिर्फ 30 मोर सेकंड्स टू गो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मंजी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सोनिया मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मनोज, आओ। नमस्ते रेखा मैडम। दीपांकर, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। नो आई थॉट इट वाज स्पेस। ऑलराइट, ये अब हम लोग शुरू करने के लिए रेडी हैं और आप लोग पुशअप से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, हाफ या फुल आप दो तरीके से पुशअप्स लेंगे। तो पहले आप देखिए, सामने देखो श्वेता, सामने नीचे नहीं, काम शुरू कर दीजिए। और दीपाली, आप पुशअप नहीं लेंगी, आप दंडासन करेंगी, स्ट्रेट आर्म। बिल्कुल दीपाली, स्ट्रेट बॉडी रखिए, उठाइए बॉडी को, पुश प्लैंक नहीं, दंडासन। दंडासन स्ट्रेट आर्म्स में करो दीपाली, स्ट्रेट आर्म्स, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको दीपाली ऐसे करना है जैसे अभी जिस सब अवस्था में अभी नेहा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बॉडी। सामने देखिए दीपाली, सामने, हाँ स्ट्रेट बॉडी करके रोकिए, पैरों में शोल्डर्स के बराबर गैप रखिए। करते रहिए। अमिता मैडम पुशअप शुरुआत करिए। गो ऑन, वेरी गुड दीपिका, जल्दी शुरुआत। गुनगुन, भावना रावत, वेल डन। शिव जल्दी करिए, बहुत देर हो गई। कीप ट्राइंग, बॉडी को स्ट्रेट रखो दीपाली, बैक में प्रेशर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बॉडी ऊपर करिए दीपाली, बॉडी थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस ये आपका करेक्ट पोस्चर है। लेकिन बैक में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। करते रहिए।
Very good. Two sets. आप लोग push up ले रहे हैं. Either you take the half push up or you take the full push ups. It's up to you. 10-10 two sets. करो निशान. तुम्हें जल्दी. भावना रावत well done. सामने देखिए भावना रावत नीचे नहीं. सामने देखते रहिए. And then you try to take your chest down. बहुत बहुत बढ़िया. दीपाली बहुत अच्छा कर रही हैं आप. बस आराम से रिलैक्स हो जाइए. ज्यादा ओवर स्ट्रेन मत करिए. वेरी गुड. दो सेट लेने के बाद आप सभी All right. Relax हो जाइए और जो पुशअप्स में कंफर्टेबल हैं वो एक बार चतुरांग दंडासन का प्रयास करेंगे. तो आइए जरा हम देख लेते हैं कि चतुरांग दंडासन कैसे करना है. ये सिर्फ उनके लिए जो पुशअप्स में कंफर्टेबल हैं. हालांकि हम हर बार कर दे एक बार फिर देख रहे हैं इसमें कि आप दंडासन से नीचे आएंगे लेकिन बॉडी आपकी हवा में रहेगी. तो शूट दिस इज दंडासन एंड यू होल्ड योरसेल्फ हियर. तरीके से आपको चतुरांग दंडासन के लिए ट्राई कर सकते हैं. जो पुशअप्स में कंफर्टेबल है सिर्फ वो. ऑलराइट रिलैक्स रहिए. सभी रिलैक्स रहिएगा. अमिता मैडम कर लिया आपने. क्या बात है. बहुत अच्छा. उसमें दर्द हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर नहीं. अवॉइड करिए एल्बो पे ज्यादा प्रेशर. अवॉइड इट. चलिएगा साइड प्लैंक के लिए अब आप लोग रेडी हैं और अभी तैयार हो जाएगा. एंड योर टाइम बिगिंस फॉर 100 सेकेंड्स नाउ. करिए ट्राई करते रहिए. Nine, eight, seven.
राइट ऑपोजिट आर्म के लिए अब हम लोग रेडी हैं. जॉय ट्राई टू स्विच ऑन योर कैमरा इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू. मीनाक्षी रेडी हो जाओ. 100 सेकेंड्स का टारगेट है आप लोग. बट दोज हु आर इन द बिगिनिंग दे डोंट हैव टू गो फॉर द टारगेट्स एट ऑल. दे विल जस्ट ट्राई टू डू इट प्रॉपरली. ऑलराइट सो and the time begins now. Just try to do it. Agree, well done. Keep going. Rajesh, chal jao. Keep going. Keep crying. अब हम लोग रिवर्स प्लान के लिए रेडी हैं आफ्टर 20 सेकंड्स. क्या बात है साकेत, क्या बात है. इट्स सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. तुम्हें देख लो साकेत के दर्शन लाभ. साकेत अब आ गए तो अब जाइएगा नहीं. सब बिस्तर छोड़ने की पूरी कोशिश करिए सुबह. रजाई बिस्तर भी आते हैं. रजाई ना जीते पूरी कोशिश है. क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया. तो आइए फिर हम लोग रिवर्स प्लान के लिए रेडी हैं. तभी फोरआर्म्स पे आ जाइएगा. जॉय यू जस्ट नीड टू बी ऑन योर फोरआर्म्स लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. और 1 मिनट का टारगेट है जो लोग पहले से कर रहे हैं. So I try to keep your legs straight and everybody is doing it. You will lift yourself on your forearms and your heels while keeping your neck loose and dropped. Ready? Keep going, करते रहिए. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right.
ताड़ासन से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसके लिए हमें जाना होगा मनोज के पास। मनोज रेडी? अच्छा आप भी फ्रेम में पूरे नहीं आ रहे हो। ऑलराइट, तो जाना होगा किसके पास? निरूपा के पास। ऑलराइट, तो देखिएगा ताड़ासन ज्वाइन। दोज हु आर सीइंग इट द वेरी फर्स्ट टाइम, दे विल फर्स्ट हैव टू पुट द लॉक, हैंड्स लॉक्ड, एंड नाउ व्हाइल डीप इनहेलेशन दे हैव टू स्ट्रेच देमसेल्व्स अप ऑन द टोज। गो अप, यू होल्ड द ब्रीथ, स्टे देयर फॉर 10 टू 15 सेकेंड्स। You don't have to hold the breath. आप breath को hold मत करिए, relax रहने दीजिए और 15 से 20 seconds के लिए hold करिए posture को। Very good. 5, 4, 3, 2, 1 नीचे आए और straight arms के साथ tightly and gradually while keeping your fingers straight you are coming down. क्या बात है प्रिया, क्या बात है, beautiful. बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब की बार यू आर गोइंग टू होल्ड दी पोश्चर फॉर 1 मिनट। प्रज्ञा, राहुल बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। अब की बार हम लोग पूरे 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करने वाले हैं ऑन दी टोज। ऑलराइट, सो हाथों का लॉक, डीप इनहेल करते हुए आ keep your toes and heels together, join, go ahead. You are on your toes. Five, four, three, two, one. Straight arms, straight fingers. All right, done. So we relax today. और अब आपके chair pose के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिनको knees में problem है, they will simply do it. जो उन्होंने दिए ताड़ासन किया है। और जिनको back में problem है, वो दीवार के साथ करेगा। Otherwise, we will do without any support by being on the tip of the mat. और target है सिर्फ बॉडी वेट हील्स पे रखते हुए पूरे 2 मिनट का, बहुत ही मजा आएगा। आइए, शोल्डर्स के बराबर आपके फीट में गैप है, जो है ध्यान तो देखिएगा। वी आर ऑन द मैट्स एज एंड व्हाई सो वी आर हियर, सो दैट व्हेन वी गो डाउन इनटू द चेयर पोज आवर नीज शुड नॉट बी कमिंग आउट ऑफ द मैट्स एज। दिस इज द टारगेट एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिए, keep pushing your body weight backward and downward on your heels. करते रहिए, घुटनों पे बिल्कुल भी जोर नहीं आना चाहिए। बबीता मैडम, अगर आपके घुटनों पे जोर आया किसी के भी, तो उसको घुटने के दर्द की समस्या होने लगेगी। करते रहिए, गर्दन सामने रखिए, कोई नीचे नहीं देखेगा। keep pushing yourself. बहुत ही मजेदार ये स्ट्रेच है आपके पूरे पैल्विक रीजन पर। अर्जुन, वेल डन।
का आनंद लेते रहिए। वेरी गुड, एक मिनट हुआ है, गो अहेड। कामे लेके नीचे नहीं देखेगा कोई भी, वरना आपके बैक का पोस्चर गड़बड़ हो जाएगा। गो अहेड, वेल डन। 30 more seconds टू गो ऑनली। नाउ करते रहिए। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। ऑल राइट, रिलैक्स हो जाइए। किसी को भी नीज पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। सारा स्ट्रेच इज हियर, वाज हियर। ये जो आप पंछियों की आवाज सुन रहे हैं रेगुलर, ये चेन्नई के क्रोज हैं, जो हमें डिपांग कर क्या बात है सर, चेयर बहुत सही से हो नहीं रहा, फिर मैं करता नहीं, जान उसकी अवॉइड करता हूँ। निकास आप बोल रहे हैं? हाँ। क्यों, दिक्कत क्या आ रही है? जबकि मैं पीछे बैक भी हूँ फिर भी है ना पेन होता है फिर नीज में अदरवाइज। ठीक है, दीवार के साथ ट्राई किया आपने? नहीं, दीवार के साथ ट्राई नहीं करा। आओ देखो, जिसको भी नी में पेन हुआ वो दीवार से अगर उसकी एवरेज हाइट है मेरी तरह तो वो 2 feet दूर दीवार से अपने पैर को लेगा। पैरों में गैप होगा शोल्डर्स के बराबर और धीरे धीरे वो डाउन करेगा और गर्दन नीचे लगाएगा, बिल्कुल ये होगा। और आप बताइए, दिस इज द टारगेट, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। बताइए विकास जी। अभी अभी हल्का हल्का है सर, थोड़ा कम अभी, है तो... अभी थोड़ा ऊपर जाइए, अभी आप ज्यादा नीचे आ रहे हो। हाँ यही रुको, आप बताओ। कंपैरेटिवली काफी कम है लेकिन थोड़ा सा है। अभी पैरों में गैप कम करो, ठीक है, और दीवार से 6 inch दूरी और बढ़ाइए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। दीवार से 6 inch दूरी बढ़ा के करिएगा। अभी आप लोग अब बिल्कुल रिलैक्स हैं और साइड बैंड के लिए रेडी हैं। तो आइए कोई सर, मुझे भी सर सुमेध हियर, मुझे भी एक डाउट था जी, बोलिए सर। ये मतलब मेरा स्टेमिना बिल्ड नहीं हो पा रहा है चेयर पोज में, मुश्किल से 10-12 सेकंड कर पाता हूं, उसके बाद गिव अप कर हो जाता। अच्छा ठीक है, आप भी दीवार के साथ करिएगा जैसे भी विकास ने किया है, तो आपने It's not about the stamina, it's about confidence now. अच्छा ठीक है, ठीक है। वो एक एक फोबिया होता है चेयर पोज या कुछ चीजों को लेके ना, जैसे स्प्लिट है, स्प्लिट बहुत ज्यादा यूं होता रहता है क्योंकि हमें फोबिया होता है उसको लेके ना, सो इट जस्ट लाइक दैट। ठीक है, गो अहेड। करते रहिए सुजाता, वेल डन। जॉय देखिए, अब आपका करेक्शन करते हैं हम लोग, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा स्क्रीन पर। बोथ फीट लिटिल बिट, योर टोज शुड बी लिटिल बिट इनवर्ड और दी स्ट्रेट, बट दे कैन नॉट बी आउटवर्ड एज यू हैव एट दिस मोमेंट। Your legs should be having gap as of your shoulders. Leg gap थोड़ा कम करिए, जो है decrease the gap. Yes. और अब उसको करने का what's the correct way?
करेक्ट वे पे अब हम लोग ध्यान देंगे. जय स्ट्रेट आर्म्स, जय डीप इनहेल एंड बाय डीप एक्सहेलेशन. अगेन डीप इनहेल push bada zabardast hona chahiye. वेरी गुड विकास, वेल डन विकास. इशारों से बताइए, जैसे भी लास्ट टाइम किया था जब चेंज दूर करके, तो भी प्रेशर आया था नीज पे, थोड़ा थोड़ा आया था. ऑलराइट, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे बिल्कुल ऐसे ही करते हुए. सभी कंप्लीट करिए और रिलैक्स हो जाइए. अब आप लोग फॉरवर्ड बैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है. जिसको बैक या नेक पेन है वो ताड़ आसन ही करेगा. जो सबसे पहले हमने हाथों का लॉक लगाकर बॉडी को अपवर्ड स्ट्रेच किया था, तो जॉय या जिनको भी बैक पेन है वो क्या कर रहे हैं वो पहले देख रहे हैं. तो कौन करके दिखाएगा? भावना रावत, आपको बैक पेन हो रहा है तो फिर इसे क्या कर रहे हो? आपको तो फॉरवर्ड बैंडिंग करनी है. यस दीपाली, देखिएगा जॉय, आप ये करेंगे अभी के लिए. हाथों का नीचे लॉक, डीप इनहेल करते हुए अप, गो अप, जो कि आपने अभी शुरुआत में भी किया है. अभी हम इंश्योर करेंगे कि आपको बैक पेन किसी समस्या की वजह से है या एक नॉर्मल रूटीन की गड़बड़ होने की वजह से. सो यू गो एड एल्स वी आर टेकिंग दी फॉरवर्ड बैंडिंग पूरे 4 मिनट के लिए. गो एड करते रहिएगा. वेल डन, जीरो गैप से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. निशांत कहां गए हो? कुछ नहीं दिख रहा मुझे. हाँ दिख गया, दिख गया, चलते रहो. Keep going. पुश करते रहिए. अर्जुन बैडान, बच्चों बेटा गुनगुन का है, अर्षित गुनगुन को बुलाओ जल्दी. हाँ बेटा करो. पुश करते रहना होगा. भागना रावत बैठा, बार बार एक्सेल करते हुए पुश करिए. जॉय आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट होल्ड इट आफ्टर 7 times, जस्ट ब्रेक, रिलैक्स. बाकी आप लोग करते रहिए. पुश करते रहिएगा. मैडम मैडम कमर में दर्द नहीं होना चाहिए.
खुश करते रहिए खुद को। लगा गो और मैडम अगले 40 सेकेंड्स में इसको पूर्ण करिए। वेरी गुड राहुल, वेल डन जॉय। आपको ये नहीं करना, अभी आपको बैक पेन हो जाएगा। आई टोल्ड यू दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट लाइक दैट। आपको सिर्फ वही करना था जो आप पहले कर रहे थे, ये दैट इज ताड़ासन। तो ध्यान रखिए, ट्राई टू हियर मी प्रॉपरली। मीनाक्षी वेल डन, सिकरी वेल डन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abhi Joy, you will not do any kind of forward bending. All right? Joy, keep it in your mind that you are not supposed to do any kind of forward bending for at least 2 to 3 weeks. उसके बाद हम ऑब्जर्व करें कि आपकी क्या स्थिति है, देन वी विल इंट्रोड्यूस फॉरवर्ड बेंडिंग इन योर रूटीन। ऑलराइट, सभी रिलैक्स हो जाइए। और अब अगले 30 सेकेंड्स के बाद, उससे पहले आप आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट के लिए अब रेडी हैं, जो कि सिर्फ 4 तरीके से लेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा अमिता मैडम के पास, जो अपनी खुली नील खुली छत पर आनंद ले रही हैं जीवन का। तो चलिए, एवरीबॉडी इज डूइंग इट। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, एंटी क्लॉकवाइज, गो ऑन करिए। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, करते रहिए। उसके बाद राहुल, प्रज्ञा, बैलान, राजेश, गुआड, क्या बात है, ब्यूटीफुल। अंकुर, वेरी गुड। 20 टाइम्स एंटी क्लॉक लेने के बाद आप 20 टाइम्स क्लॉक भी लेंगे, करते रहिएगा। बेटा रुकने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, जोर लगाओ। 20-20 बार दोनों तरफ करने के बाद रुकिए, और उसके बाद आप सीधे स्ट्रेट आर्म्स पैरेलल टू फ्लोर रखते हुए बैकवर्ड हिट करेंगे। बेटा ऐसे नहीं, ढंग से करो बच्चे, इस तरह से करिए। ट्राई टू कीप योर आर्म्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर व्हाइल टेकिंग देम बैक एंड ट्राई टू हिट योर पाम्स फ्रॉम देयर डॉर्सल साइड, करते रहिएगा। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अमिता मैडम बेलडाल, क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। अब ऑल्टरनेट आर्म करके दिखाओ बच्चा, वन बाय वन, क्या बात है। स्ट्रेट आर्म्स रखिएगा सभी। Try to keep your elbows absolutely straight. Body straight, body tight. Kya baat hai Rahul? Rahul, well done. Beautiful. आप लोग 15-15 बार ऐसा करेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग पश्चिम नमस्कार
यानी बैकवर्ड नमस्ते मुद्रा के लिए रेडी हो जाएंगे और वो हमें करके दिखाएंगी श्वेता गुरुग्राम से। चलिए श्वेता बैकवर्ड नमस्ते मुद्रा लेके दिखाइए। ऑलराइट, देखिएगा इस तरह से कोशिश होगी। ट्राई टू ओवरलैप योर पाम्स एंड प्रेस देम अगेंस्ट ईच अदर एंड इन द मीन टाइम प्रज्ञा ढंग से क्यों नहीं करती हो? देखो राहुल कितना अच्छा कर रहे हैं, राहुल की तरह करो। जमाना बदल गया है प्रज्ञा, अपनी एल्बोज भी बैकवर्ड पुश करिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। ऑलराइट, सभी रिलैक्स हो जाइएगा। अब हम लोग भस्त्रिका के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिएगा दोज हु आर डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम और सीइंग इट सेकंड और थर्ड टाइम स्पेसिफिकली जॉय यू, हाथों का पीछे लॉक लगेगा जॉय लाइक दिस। शिव थोड़ा पीछे जाइए कैमरे से 1 फीट और, एंड यू विल सी टुवर्ड्स द सीलिंग, लेग्स में गैप एंड फोर्स के साथ इनहेल और एक्सहेल इन अ रिदम। यू विल डू इट फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स। आपके लिए हालांकि कोई टाइम कॉम्बिनेशन नहीं है बिगनर्स के लिए। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ, गो अहेड। हाइपरटेंशन के केस में यू विल अवॉइड इट। बेटा गुनगुन क्या हो रहा है ये? बेटा गुनगुन हाथों का लॉक लगाओ ढंग से पीछे। गुनगुन लॉक लगाओ बेटा ढंग से करो।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Relax, बढ़िएगा. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप लोग. 2 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स है और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी. इस 2 मिनट में आप चाहें तो पानी पी सकते हैं. जॉय, एनी प्रॉब्लम? ऑलराइट, वेल डन. ठीक है, बी रिलैक्स्ड और अगले 1 मिनट के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी. ओवर एंड आउट. रिलैक्स हो जाइएगा. बबीता मैडम, ज्यादा समस्या तो नहीं हो रही आपको? जी बबीता मैडम, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, ऐसे ही ज्यादा ऑब्जर्व करिए अभी और थोड़ा थोड़ा करते रहिए. दीपांकर बोलिए, कसम आपको इन चहचहाते हुए पीछे कौओं की कोई दिक्कत हो तो जरूर बोल दीजिएगा. ठीक है, सिर्फ बैठे मत रहिएगा दीपांकर, ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोल दीजिएगा जो भी कोई समस्या हो या समझ में ना आए. राजेश ठीक है आप? क्या बात है राजेश, बिल्कुल आप आर्मी के जवान लगते हो, हायर रैंक वाले वो भी. क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया. बेटा गुनगुन सीधे बैठे हो? आइए जरा एक बार बैक पोस्चर को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि उसकी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है, जानने के बाद भी हम उसको बार बार गड़बड़ करते रहते हैं. जॉय, देवनाथ आपको और बबीता मैडम आप जो भी शुरुआती दौर में थोड़ा उनको विशेष तौर करना है. देखिएगा जॉय, हम अक्सर ऐसे बैठते हैं, बड़ा मजा आता है, हालांकि इसमें शोल्डर्स भी डाउन होते हैं, अपर बैक भी खराब और लोअर बैक भी खराब. उसके बाद हमें बताया जाता है कि आप स्ट्रेट बैठिए, तो हम ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम सही बैठे हैं. We think so that we have the correct posture, but this is wrong posture. Our lower back, this is the lumbar region, it has got the natural concave curve. So to achieve this, you have to move your chest forward and little upward like this. And this is correct posture. All over again, we were like this. Then we think so that this is the correct posture, but this is incorrect. This is correct. So this posture mein, you have to stay now forever. Whenever you sit anywhere, you are supposed to be sitting like in this posture. I अंतः कुंभक से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत इसलिए की जा रही है ताकि आपके ब्रीदिंग सिस्टम को हम लोग ओपन कर लें. तो आइए लेट्स सी जॉय, व्हाट इज अंतः कुंभक. सो हियर व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू सिट इन द करेक्ट बैक पोस्चर विद द चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एंड फर्स्ट यू एक्सहेल एंड देन यू डीप इनहेल, यू फिल योर चेस्ट कंप्लीटली एंड होल्ड इट ब्रीथ to your maximum limit. आइए ऐसा 2-3 बार करेंगे और देखते हैं आगे फिर क्या स्थिति होती है.
थ्री टाइम्स मिनिमम टू मैक्सिमम थ्री टाइम्स जरूर इसको ऐसा करिए. इट विल हेल्प इन योर ब्रीदिंग सिस्टम डायलेशन. ये आपके ब्रीदिंग पैसेज या यू कैन से बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपकी नेजल पैसेज को ओपन कर देगा टू हेल्प यू ब्रीथ इजली एंड मोर इफेक्टिवली. प्रज्ञा समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है. ऑल राइट, टू टू थ्री टाइम्स करने के बाद ये मान के चल रहे हैं कि लगभग हम दो बार को सभी कर ही चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं वाइल कीपिंग दी बैक स्ट्रेट. आइएगा नारी शोधन प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से आगे बढ़ा देंगे. यू फर्स्ट इनहेल थ्रू द माउथ, यू प्लग योर नोज, एक्सर्ट द प्रेशर आउटवर्ड अगेंस्ट योर चीक्स एंड देन यू रिलीज दैट प्रेशर आफ्टर 15-20 सेकेंड्स. जॉय आइए देखे दीपांकर आप भी और बबीता मैडम आप भी. कोशिश करिएगा. यू एक्सहेल थ्रू नोज बट यू इनहेल थ्रू माउथ. जॉय करिए. फर्स्ट यू इनहेल थ्रू माउथ, यू प्लग योर नोज, यू एक्सर्ट द प्रेशर अगेंस्ट योर चीक्स एंड दैट शुड बी ऑलमोस्ट पेनफुल. यू रिटेन दैट प्रेशर एंड देन यू रिलीज दैट प्रेशर थ्रू नोज. Three times. Go ahead. वेरी गुड साकेत दीपांकर, वेल डन. गो अहेड करते रहिए थ्री टाइम्स. सुनिए मैडम करते क्यों नहीं आप, करो. ऑलराइट रिलैक्स. पूरे चेहरे में प्रेशर डेवलप हो जाना चाहिए. योर एंटायर फेस शुड बी स्ट्रेच्ड, ऐसा फील हो जाना चाहिए एंड दैट्स पॉसिबल ओनली व्हेन यू गिव योरसेल्फ एंटायर स्ट्रेच. नाउ यू प्लग योर ईयर्स एज वेल अलोंग विद योर नोज. प्रोसेस इज सेम. जॉय दीपांकर एंड बबीता मैडम.
करते रहो करते रहो, रुको मत, नेक स्ट्रेट जाए, नेक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हमारी ओर, हमारी ओर, नॉट टुवर्ड्स द सीलिंग. Now you go to the bunker. दीपिका कर लिया थ्री टाइम्स, डन, ऑलराइट. थ्री टाइम्स करने के बाद रुक रहे हैं दोनों तरफ तीन तीन बार. दीपिका आप दीवार के सहारे से क्यों नहीं बैठती हो? डोंट एवर पुट एनी स्ट्रेन ऑन योर बैक. आप दीवार का सहारा लेके बिल्कुल आराम से बैठ सकती हैं. अननेसेसरली यू पुट योर सेल्फ इन प्रेशर. सर बैक में स्ट्रेन नहीं आ रहा, थोड़ा ब्रीदिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है आजकल. अच्छा कोविड के पोस्ट इफेक्ट? हाँ सर, मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग में बहुत मैं देर तक कर नहीं पा रही हूँ. पहले भी दिक्कत थी क्या कोविड से पहले ब्रीदिंग में? नहीं नहीं सर, उसके बाद ही हो रहा है, थोड़ा बॉडी भी ज्यादा शिवर से कर रही है. अच्छा तो सीधे बैठो बिल्कुल, कहते गलत पोजीशन में बैठी हो. ऑलराइट, ठीक है ठीक है, हेल्प मिलेगी. जब ज्यादा दिक्कत हुआ करे ना दीपिका तो तुरंत एब्डोमिनल ब्रीदिंग में पहुंच जाया करो, ठीक है? इमीडिएटली यू विल फील रिलैक्स्ड. ऑलराइट, चलिए आइए अब हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे और सिंहनाद के लिए तैयार हैं. आइएगा तो आइए जरा सिंहनाद का आनंद लेते हैं एवरीवन. और आपको इस तरह से अपने टोस पर आना है, या आपकी पोजीशन रहेगी रिस्ट की, यू विल एक्सपोज योर रिस्ट डीप इनहेल और पूरी टंग को बाहर निकालकर पूरी क्षमता के साथ आपको दहाड़ना है शेर की तरह. स्वेलो करेंगे या थोड़ा सा पानी पिएंगे अगर गला ड्राई लगता है तो. वेल डन, आगे बढ़िए. राहुल दहाड़ नहीं रहे हो आप, मुझे दिख रहा है साहब. आप शेर की बजाय हिरन की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शेरनी के बगल में हिरन की कहां चल पाएगी राहुल. आगे बढ़ो. आतंक मचाना होगा, जैसे शेर की दहाड़ से जंगल में आतंक मच जाता है बिल्कुल ऐसे ही घर में आतंक मच जाए. आइए
मिनिमम तीन मैक्सिमम चार बार, इससे चार बार से ज्यादा नहीं करेंगे गला बैठ जाएगा, तो तीन बार तो जरूर ही करिएगा और उसके बाद एक से दो से पानी जरूर पी लेंगे। मैडम कर लिया आपने विटामिन डी का असली आनंद तो आप ही ले रही हो, लो 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 बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल। ऑलराइट सभी कंप्लीट करिए और उसके बाद रिलैक्स हो जाइएगा, फिर अगले ठीक एक मिनट के बाद हम अब शुरुआत करेंगे। एक मिनट के लिए आपको ब्रेक दिया जा रहा है मात्र। वेल डन, क्या बात है, वेरी गुड राहुल, ब्यूटिफुल। दिवाली बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए बैक में, ये आपकी प्राइमरी आपके खुद के प्रति रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की। और इस तरह से एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे ही बैठिएगा इन एनी केस अगर आपको हल्का सा भी बैक में स्ट्रेन लगे। आइएगा अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यस सोनिया मैडम बोलिए। तो उड्यान बंद यानी एब्डोमिनल लॉक से आगे बढ़ेंगे और हम इसके लिए सीधे ग्वालियर चल रहे हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी में आनंद लेंगे कैसे एब्डोमिनल मूवमेंट को देखना है। तो देखिएगा जॉय दीपांकर एंड बबीता मैडम, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, डीप इनहेल, उसके बाद डीप एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड एंड एब्डोमेन इन, हाथ लगाइए, ये देखिएगा। अच्छा वो थोड़ा शैडो की वजह से गड़बड़ हो रही है, एनीवेज नो प्रॉब्लम, हम दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली रिलैक्स, जॉय दीपांकर एंड बबीता मैडम थोड़ा पीछे से टी शर्ट को टाइट कर लें, दीपाली आप थोड़ा टी शर्ट को पीछे से टाइट कर लीजिए, हाँ, ताकि ज्यादा विजिबल मूवमेंट हो जाए एब्डोमेन की। ऑलराइट, देखिएगा डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, होल्ड योर ब्रीथ एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन, हाथ लगाइए, बहुत ही सुंदर। सो दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल लॉक और यू कैन से द एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन विद रिटेंशन, द रिटेंशन ऑफ योर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन इज उड्यान बंद। जिन लोगों को गर्दन की समस्या नहीं है वो उड्यान बंद में जालंधर बंद यानी चिन लॉक भी लगाएंगे आज। पहले तीन बार नॉर्मल तरीके से उड्यान बंद लगाइए, आइए उसको थोड़ा आनंद से देखते हैं और करते हैं। जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो एब्डोमिनल लॉक को अनलॉक एब्डोमिनल इनहेलेशन से ही करेगा, इसको बाय डिफॉल्ट अपनी आदत बना लीजिए, बट बिगिनर्स दे डोंट हैव टू वरी फॉर दिस। करते रहिएगा और इस तरह से तीन से चार बार करने के बाद आप रुकेंगे और फिर इफ यू डू नॉट हैव एनी नेक प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू पुट द चिन लॉक विद दिस एब्डोमिनल लॉक, और यू कैन से उड्यान बंद और जालंधर बंद साथ में होके, पहले एक से दो बार और करिए और सभी रुकिए।
रिलैक्स रहेगा चार बार करने के बाद, ताकि करो थोड़ा थोड़ा जॉय, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? मंजीत, इसके बाद आप सीधे एक से दो बार राउंड करने के बाद उच्चाई प्राणायाम करेंगे, ऑलराइट? और पहले वो करिए, उसके बाद आपको बता दूं 3 मिनट के लिए। तो आइए अब जरा चिल ऑफ लगा लेते हैं, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपको गर्दन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर चिल ऑफ लगा रहे हैं तो। करते रहिए, रुके मत। आज का हमारा फोकस एब्डोमिनल ब्रीदिंग रहेगा, करते रहिए। वेरी गुड मंजीत, 3 मिनट के लिए ऊंचाई करेंगे और उसके बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। अगर जैसे भी आपको याद हो, या तो लेट कर या बैठ कर, अगर बैठ कर याद ना हो तो आप अभी देख भी लीजिएगा। दीपाली, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आप नेक को बैंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? और बैक में बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट अभी बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। विकास को दिक्कत तो नहीं हो रही है बैक में? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी बैक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यू हैव टू सेट, इफ यू हैव अ बैक प्रॉब्लम तो आप उसको लिटिल बिट अपने हिप एरिया को एलिवेट करके एक अच्छे खासे कुशन पर तभी बैठेगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रोसेस में और सीधे उच्चाई प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइएगा, उस केस में उच्चाई के लिए आपको यहां पर फोकस करना है और इनहेल करते हुए आपको यहां पे एक सक्शन डेवलप करना है। दिस इज फॉर योर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। कोशिश करिएगा जॉय, कुछ कुछ समझ में आया क्या? हाँ, उच्चाई प्राणायाम जरा करिए। आपको ना माइक ऑन करना होगा जॉय, और कैमरे के यू नीड टू कम क्लोजर टू द कैमरा एंड स्विच ऑन योर माइक, देन ओनली आई कैन बी कन्विंस्ड वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट।
सभी करते रहेगा बबीता मैम दीपांकर देन कमिंग टू यू एज वेल करिए करिए ज्वाइन लेट मी सी जो आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी आपको आ रही है अपनी आवाज यस यस बट आई कांट हियर यू एट ऑल आपकी आवाज इस तरह से आनी चाहिए जिस तरह से मेरी आ रही है देखिएगा और हमें आपके थ्रोट एरिया में एक डिप्रेशन यानी एक सक्शन भी चाहिए रिलैक्स 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 हो जाइए जो है ऑलराइट एक बार जरा दोबारा करिए ओनली फॉर 3 सेकेंड सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए करिएगा करिए आप इनहेल करते हुए आपकी ना आवाज नहीं आ रही है जो है बिल्कुल भी यू नीड टू कम लिट और थोड़ा और कैमरे के नजदीक आइए यस डू इट नाउ एनीवेज अभी थोड़ा सा और कहीं गुंजाइश बाकी है दीपांकर कविता मैडम एक बार फिर गौर करिए देखिए यहां पर फोकस है और अभी गला आप ध्यान से देखिएगा देयर इज नो सक्शन और डिप्रेशन हियर बट नाउ while inhalation you suck your throat in कुछ आवाज आई जॉय अब आई हाँ अभी ठीक हुआ जॉय पहले और अब में डिफरेंस पता चला हाँ ये ठीक है क्या बात है जॉय खांसी आना यानी बिल्कुल सही करना करते रहिए वेल डन जॉय दिस इज करेक्ट नाउ देवनाथ करते रहो देवनाथ आर यू डूइंग इट करेक्टली देवनाथ कैमरे के नजदीक आइए आप भी माइक ऑन करिए आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे अगले 3 मिनट के बाद हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग की ओर आगे बढ़ेंगे करते रहो सानिया रुकुमार देवनाथ गर्दन सीधी करिए गर्दन ऊपर नहीं देवनाथ गर्दन गर्दन सीधी सीधी लुक टुवर्ड्स द स्क्रीन ओके सर ऑलराइट थोड़ा और क्लोज आइए कैमरे के कम क्लोजर टू द कैमरा अब करिए आप देवनाथ इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल देवनाथ आप इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग पहले देवनाथ आप क्या कर रहे हैं अभी इनहेल या एक्सहेल इनहेल सर ऑलराइट लेकिन मुझे आपके ना क्योंकि आपका कैमरा एंगल बहुत डाउन है तो मुझे आपके गले के अंदर सक्शन नहीं नजर आ रहा है या अब करिए अभी रुकिए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाओ देवनाथ देवनाथ होल्ड आई विल सेंड यू द वीडियो I will send you one video to make it understand better. Okay. Very good. आप बिल्कुल सही कर रही हैं. तो आइए इसको सभी जिनको गर्दन की समस्या नहीं है इसको दो बार चिल्लॉक के साथ यानी जालंधर बंद के साथ करेंगे और if you have a neck problem, you are not going to bend your neck like this ever. तो आइए जरा कर लेते हैं इसको
बहुत ही मजेदार है। एक अंतिम बार और लेंगे। भावना रावत कोई समस्या तो नहीं हो रही है? बेटा सोना नहीं है, बच्चे बेटा यहां सोना नहीं है, सोना है तो कैमरा ऑफ करके सो जाओ, लेकिन घर पे एक फोन आ जाएगा तुरंत अगर गलती से भी कैमरा ऑफ कर लिया तो। ना तो कैमरा ऑफ करना है ना सोना है, क्यों विकास? सही है ना सर? क्यों बच्चों को धमका रहे हो सर? इट्स नॉट अबाउट धमकाना, बहुत ही टेंडर एज में है वो। ऑलराइट, आइए अंतिम बार लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी रिलैक्स हो जाइए फिर एक बार एक मिनट के लिए, और उसके बाद सीधे आगे बढ़ाएंगे आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए, जिसकी की शुरुआत हम लोग लेट कर करेंगे ताकि सभी उसको एक बार समझ जाएं ढंग से जो अभी तक उससे ढंग से परिचित नहीं है। उसके बाद जिनको मालूम है वो सीधे बैठकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन फोकस रहेगा पूरे आप लोग 30 टाइम साइक्लिकली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे सिर्फ 40 सेकंड्स के बाद शुरू। दीपांकर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्या बात है दीपांकर, दो अंगूठे हो गए आज तो, इसका मतलब मामला जम रहा है थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, तो चलिए समय के अभाव को देखते हुए अब हमारे पास मात्र 17 मिनट रह गए हैं, सीधे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप जिनको मालूम है आपको भी एक बार लेट कर ट्राई कर लें ताकि एक बार फील जरूर ले लें। बहुत ही जबरदस्त चीज है दीपिका, या जिनको भी कोविड के बाद या नहीं भी कोविड की वजह से भी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग इश्यू महसूस होता है वो इस तरफ गौर करेंगे। बिल्कुल सीधे ही लेट रहे हैं जॉय, बबीता मैम और दीपांकर, आप विशेष रूप से देखे देखिएगा जब हम लोग इनहेल करते हैं तो प्राइमरली चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं बाय डिफॉल्ट। कैसे? अब आपको अपने एब्डोमेन का इस्तेमाल करना है कॉन्शियसली। कैसे? पहले आप कैसे कर रहे थे? अब कैसे करना है? एक हाथ नाभि, दूसरा हाथ चेस्ट। The hand which is on your table on lead should be moving down. Okay.
चलिए जॉय दीपांकर कविता मैम आप लेट कर करेंगे, बाकी जिनको मालूम है वो बैठ कर कर रहे हैं, करते रहिए। गो एड राहुल प्रज्ञा आप भी लेट कर करेंगे, आप पहली बार कर रहे हैं, ये जो बहुत बिगिनिंग में है वो लेट कर कर रहे हैं। दीपाली आपने किया है पहले, मालूम है समझ में आया, लेट कर ही कर पाएंगे आप, अभी बैठ के नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि जब हम बैठ कर करेंगे तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, यानी बहुत टफ हो जाएगा। भाई जरा बैठ कर इसका आनंद ले लेते हैं, दो दो सेकंड्स के लिए आप एब्डोमिनल लॉक लगाकर एक इंटरनल सक्शन डेवलप करेंगे, तो देखिएगा अब सिर्फ ये इस्तेमाल होगा, ये नहीं। जॉय कीप गोइंग, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, दिस इज ब्यूटीफुल जॉय, गो ऑन। बबीता मैम आपको समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं? मुझे लग तो नहीं रहा लगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो वेल एंड गुड, करते रहो। राहुल और प्रज्ञा बहुत बढ़िया कर रहे हैं दोनों, राहुल बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, प्रज्ञा थोड़ा राहुल पर ध्यान लगाइए, वैसे भी आपको हमेशा ही लगाना चाहिए लेकिन इस वक्त ज्यादा लगाइए और ध्यान से देखिए कि हाउ ही इज डूइंग इट सो वेल, करते रहिएगा सभी। दीपांकर लेट मी सी, करिए दीपांकर, हाँ वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो 30 साइकल्स आप इस तरह से लेकर सभी रुकेंगे, रेखा मैडम कर लिया 30 साइकल्स, 30 साइकल्स लेने के बाद सभी फिर रुकिए जरा एक मिनट के लिए और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज का टारगेट एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, इसलिए तगड़ागी
तड़ागी मुद्रा में हमें आगे बढ़ना होगा, जो कि मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 बार होगी आपके अपर एब्डोमेन के लिए। आइए जॉय बैठेगा सभी, देखिएगा अब आप लोग सभी लेग्स सीधा करेंगे, आपको मालूम ही है दिस स्ट्रेट लेग्स, आपकी बैक ऐसे रहनी चाहिए जॉय 90 डिग्री हो जाइए स्क्रीन के साथ, जॉय टर्न 90 डिग्री सभी ताकि सो दैट आई कैन सी योर कर्व, कोई भी इस तरह से नहीं बैठ रहा है, ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, वी विल नॉट अफोर्ड दिस एट ऑल, ये आपका टारगेट होगा साकेत और से जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, दे विल होल्ड देयर टोज लाइक दिस, लेकिन इस दौरान आपकी बैक ऐसे हो जाएगी क्योंकि आप उतने भी प्रोफिशिएंट नहीं है इसमें, तो रादर देन होल्डिंग योर टोज आप अपनी शिन के थोड़ा यानी नीज के थोड़ा नीचे आ जाएंगे और फिर अपनी बैक को ऐसे कर लेंगे, और अब इसी अवस्था में आप एब्डोमिनल लॉक लगा रहे हैं, आइएगा प्योरली एब्डोमिनल इनहेल से आप अनलॉक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दीपिका गो ऑन, ये देखिएगा गो ऑन करिए, करते रहिए राजेश, अर्जुन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा और बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश होगी अर्जुन, अभी देखो लंबा रीजन देखो अपना अर्जुन स्क्रीन देखो, लंबा रीजन में कॉन्वेक्स कर्व आ रहा है, ये नहीं चाहिए, इसे थोड़ा पीछे से पकड़िए पैर को नीचे से, हाँ अब लेके आइए थोड़ा स्ट्रेट बैक करके, ये कर्व नहीं होना चाहिए बैक में ना, हाँ अब जरा खींचिए गर्दन ऊपर चेस्ट बाहर, उस कर्व को नीचे वाले कर्व को और करेक्ट करिए और फिर आगे बढ़िए, गो ऑन, बिल्कुल ये कर चाहिए, ये देखिएगा ये ये चाहिए, बहुत ही बढ़िया, टारगेट ये एरिया है इसका जस्ट आपके डायफ्राम के कर्व में और या आपका अपर एब्डोमेन एरिया, बहुत ही रेयर एरिया है, यहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं ले पाते हैं कभी भी, बहुत ही दुर्लभ है, इसका फायदा उठाइए और एक से दो बार करके सभी रिलैक्स हो जाइए। अर्जुन पहला बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, साकेत कुछ कुछ समझ में आ रहा है दोस्त आपको, वेरी गुड, क्या बात है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, बैक में पेन नहीं होना चाहिए,
निरुपा थोड़ा कर्व करेक्ट करो बैक का, और हल्के में नहीं करना है इसको। जब आप अपने टोज या अपनी शिन जिसको भी पकड़ रहे हैं तो फिर अपनी बॉडी को पकड़ के खींच दीजिए। ट्राई टू स्ट्रेटन और करेक्ट योर बैक कर्व एज मच एज पॉसिबल। जितना आप उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे अनुपमा मैडम की तरह, उतना ही ज्यादा आपको अपने अपर एब्डोमेन एरिया यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में उतना ही ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा। देखिए कितना शानदार कर रही है सुजाता, सुजाता बड़ा कमाल कर रहे हो। ग्वालियर में नहीं, मुझे लग रहा है जादू की तरह आपको सूर्य से शक्ति मिल रही है। गुरुजी पैरों में खिंचाव आ रहा है। हाँ वो भी आएगा आपको साकेत, क्योंकि आपकी हैमस्ट्रिंग्स दोबारा जैम हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। That's pretty natural. यही काम बबीता मैडम, दीपांकर, जॉय सभी को पैरों में बहुत खिंचाव महसूस हो रहा होगा। All right. सभी रिलैक्स हो जाइए। और अब All right, सानिया, अब हम लोग शांभवी मुद्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइएगा, शांभवी मुद्रा से पहले एक बार आपको सिद्धासन लगाना बता रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से बताया नहीं गया है। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं सिद्धासन को भी। अर्जुन आप जरा देखिएगा, पहली बार शायद देखेंगे, देखिएगा आप अपनी हील को अपने पेरिनियम से टच करेंगे। पेरिनियम इज द पार्ट बिटवीन योर जेनिटल एंड योर एनस। उससे आपकी हील को टच किया, लेफ्ट हील को, लेफ्ट को ही करेगा शुरुआत में, सो दैट वी कैन ऑल गो अहेड इन अ सिंक। उसके बाद टारगेट क्या है, टारगेट है कि आपकी ये एंकल बोन दैट इज द टखना, आपके इस वाले ये जो टखना है इसके ऊपर टच रहे, और आपकी ये हील, आपकी प्यूबिस बोन होती है आपके ठीक जेनिटल के ऊपर, उससे ये आपकी हील टच हो जाए, दोनों घुटने जमीन पे रह जाए। तो आइए जरा देख लेते हैं कैसे। उसके बाद अपने इस पैर के लूप में थोड़ा सा पैर को अंदर डालिए इस तरह से, और अब हल्का सा बॉडी को पीछे से उठाकर अपनी हील को एक बार फिर एडजस्ट करिए अपने पेरिनियम में, और ये देखेगा अब ये आपकी पोजीशन बन जाती है। अब आपकी ये हील आपके प्यूबिस बोन की ओर हिट कर रही है, आपके दोनों टखने एक दूसरे के ऊपर है, दोनों नी जमीन पर है, आपकी हील नीचे लेफ्ट हील वो आपकी पेरिनियम को टच कर रही है, उसको टच रहने दीजिए और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट करिए। ये सिद्धासन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आने के बाद आपका फोकस अब मूलाधार चक्र पर कांस्टेंट बना रहेगा, इसी का ये पर्पस है। दैट्स व्हाई योर हील इज टचिंग योर पेरिनियम। अब आपका फोकस होगा आपकी दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, दैट इज योर आज्ञा चक्र। So to connect your Agya Chakra with your Muladhara Chakra is the target of Siddhasana. This constant connection is maintained because of this heel touching your Muladhara Chakra. Try to focus between your eyebrows, Dipankar, Joy, Babita Man. आपके लिए भी सिद्धासन थोड़ा चैलेंजिंग होगा, सो दैट डोंट फोकस ऑन द सिद्धासन, फोकस बिटवीन योर आईब्रोज ओनली लाइक दिस। करते रहिए। कीप गोइंग। हील निरंतर टच रहे आपके पेरिनियम से।
अगले मिनट में पूर्ण करेंगे इसको सभी। निरंतर अपनी लेफ्ट ही को पेरिनियम से टच रखें एंड ट्राई टू मेंटेन योर फोकस बिटवीन योर आईब्रोज। दैट विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन योर मूलाधार चक्र एंड योर आद्या चक्र। Thirty more seconds to go. Five, four, three, two, one, eyes closed. आइए वायु मुद्रा इंडेक्स फिंगर बैंड उसको अपने थंब से दबा दीजिए। बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल
आइस कोई दीजिएगा पहले ढंग से, के बाद जो है मसाज। के बाद गर्दन की, गर्दन पीछे, मसाज पीछे से आगे। और फिर गला, ऑल राइट, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते सिकरी, दीपांकर वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। नमस्ते सर जी। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते।